हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आए आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो यहाँ हो रही थी इनके अर्बिश के जो बड़े पापा हैं उनकी बरसी हो रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ली है वरना व्लॉग बनाना नहीं बनता था। तो यहाँ पर दूसरे दिन मैं बना रही थी आलू के पराठे और उसके साथ मैंने बनाया था बैंगन का रायता, बड़े मज़ेदार सा भंगाड़ लगा के, और बैंगन फ्राई किए थे और दही में मसाला डाला था। और यहाँ पर बड़े मज़े से बैंगन वो आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे मैं आपको कुछ ओल्ड फ़ोटोज़ अपनी शेयर करवाती हूँ। इस दफ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था व्लॉग, तो मैंने कहा चलें यही शेयर करते हैं। और यहाँ पर जो है आलियन ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, अपने आंखों में लोशन लगा के और खूब सारा रब किया, तो जिसकी वजह से उनकी आँखें रेड हो गई। तो मैं इस वक्त बड़ा डरी हुई थी, तो फटाफट से मैं पराठा बना के अभी जाके देखूँगी उनको। आइस खोलो, पूरी खोलो। मुझे काम करना है। सही नाराज हो गया, बुजुर्ग नाराज हो गया। बुजुर्ग को क्या हुआ? कोई खिला नहीं रहा उसको, कोई खिला नहीं रहा। चोट लग गई यहाँ से, उसकी गर्मी दाने हो रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आए थे और ये बन बगन ले आए थे, तो ये बड़ा मज़ेदार सा लाइट लाइट सा नाश्ता। मैंने सोचा कि व्लॉग जो है ना किसी तरह से बस बनाना है, क्योंकि व्लॉग जो थोड़ा बहुत मुझसे बना था वो मुझसे डिलीट भी हो गया पता नहीं कैसे। तो बड़े मज़ेदार से मीठे बन थे ये, इनके साथ ऑमलेट बहुत अच्छे लग रहे थे। और आ गई थी दादी, तो दादी असल में आई थी अपने कपड़े वगैरह लेने, मेरे पास उनका बैग रखा हुआ है तो उनको जाना था कहीं तकरीब में। तो बच्चे आए ट्यूशन से और दादी से ऐसे मिल रहे थे जैसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। दादी नीचे ही होती हैं, कभी मिलना नहीं होता, तो फिर बच्चे जो है ना बड़ा याद करते हैं, दादी भी उनको याद करती हैं। अभी जो है आलियन अपनी चोट दिखा रहे थे क्योंकि सीढ़ियों पे गिर गए थे, तो वो एक एक चीज़ दादी को दिखाई जाती है। सो दादी देख रही थी, और ये है कि वो जा भी रही हैं अपनी मतलब मेरी नंद की, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर थी हमारे पास, तो अब वो वहाँ चली जाएंगी तो थोड़े दिनों के बाद आएंगी, तो फिर जब भी हम मिलने जाएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो बस इतनी दुआएँ दे रही थी जब आई थी, तो क्योंकि खुश रहो और अपने घर में आबाद रहो, मतलब इस तरह की दुआएं देती रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और सुखा रहता है कि दुआएं देने वाला कोई है हमारे सर पे। तो अच्छा, यहाँ पर आलियन जो है ना दादी को अपनी सारी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, क्या क्या स्कूल में हुआ और क्या क्या मैंने पेंट, सब चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि और किसी में इतना नहीं है, लेकिन आलियन जो है ना ज़रा ज़्यादा दादी को, दादी से अटैच है, हर चीज़ दिखाते हैं, हर चीज़ बताते हैं, तो वो उनकी जैसी भी ज़बान से सुन सब चीज़ें समझती हैं। सो हस्बैंड को बुलवा लिया था मैंने जल्दी से कि चाय के साथ सामान ले आए थे, जलेबी और समोसे वगैरह, और पता नहीं मुझसे, मैंने इतने शौक से सारी वीडियो बनाई और मुझसे सब कुछ डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। तो बस शुक्र है कि मुझसे ही हुआ, किसी बच्चे से होता तो होती। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड जो है ना चीकू दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने चीकू पिछली दफ़ा ला के डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मैंने व्लॉग में दिखाया था। सो हुआ ये कि हमारे ख़राब हो गए थे सारे, तो अब दोबारा लेकर आए हैं, और इतने मज़ेदार शहद जैसे थे कि वो आपके जो है ना चिप चिप हो गया था पूरा हाथ, हाथ वगैरह ना इतने ज़्यादा थे। और दादी के निकलते ही नानी आ गई, तो ये इत्तेफाक हुआ आज माशाल्लाह से। तो नानी आई हैं और सबको चीज़ वगैरह दे रही हैं, और ये है कि फ़्रॉक वगैरह सी के लाई हैं। तो बस यही बता रही थी कि जिसकी जो मैंने बोली थी तो वो नाप नहीं थी, तो दूसरी की बन गई, तो मतलब अदल बदल हो गई उनकी फ़्रॉक्स। तो बस बड़े खुश हो रहे थे, और बच्चों को पता था, नानी ने कहा था मैं फ़्रॉक्स लेके आऊँगी जब भी आऊँगी, सिल गई हैं। तो सो यहाँ पर जो है ना बस ये ब्लेसिंग्स है, नानी जो है ना आती हैं तो कोई ना कोई चीज़ साथ लेके, कपड़े सिले हुए होते हैं या कोई ना कोई चीज़ होती है या कुछ ना कुछ साथ लेके आती हैं, और अरबिश को ऐसे दिए नानी ने, क्योंकि जो है वो खुश होती हैं बड़ी, और बस ये हंसी मजाक चलता रहता है। और यहाँ पर नानी ने जो है ये अपने दुपट्टे से जो है अरबिश की शर्ट बनाई है, और मेरे भी कुछ दुपट्टे थे उसकी भी मैंने बच्चों की शर्ट बनवा दी, बड़ी आसानी रहती है बेटियों के साथ ये। सो ये भी मेरा दुपट्टा था और शलवार नानी के पास रखी हुई थी। तो बस ये इस तरह से जो है ना बच्चियों के जुगाड़ होते रहते हैं लॉन के कपड़ों के। तो माशाल्लाह से अरबिश बड़ी हो गई है, तो अरबिश की जो है ना कुर्तियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उन दोनों के लिए जो है ना मुझे इस तरह का कुछ करना पड़ता है। सो बस ये हो रहा था, और बस उसके बाद मैं खाना वगैरह चढ़ा रही थी, और यहाँ पर जो है बस बैठे हुए थे थोड़ी देर में, मेरा भाई भी आ गया था और थोड़ी देर बाद वो भी चले गए थे, और बस अब ये नानी को भी प्यार हो रहा है। तो थैंक यू करने की जो है ना बहुत अच्छी आदत है ये, अल्लाह का शुक्र है, ये होनी चाहिए सब में। सो बस हस्बैंड जा रहे थे और हस्बैंड को जो है आलियन जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको मोबाइल, तो बस किसी तरह भी जो है ना चुने मस्ती करके और उनको किसी तरह से निकाल दिया। तो बस रात में आएंगे हस्बैंड, और उसके बाद जो है बच्चों का कल भी स्कूल है, अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं इनकी क्योंकि इनका समर कैंप लग गया है 10 दिन का, तो अब उसमें भी जाना पड़ेगा भाई। तो देखती हूँ मैं कि रेगुलर भेज पाऊँ या नहीं, क्योंकि बस समझ,
तो अब तो हम लोग का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा दिन हो गए ब्लॉग कुछ बन ही नहीं रहा, वही डेली रूटीन आप लोग देख देख के थक जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये सब देख जाएंगे तो यूट्यूब सब मतलब हमसे बोर होने लगेंगे, तो मम्मा ने इसकी ब्लॉग्स बहुत दिनों तक नहीं बनाए थे। अब बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आगे जाकर, मतलब पास्ट की जो पिक्चर्स कुछ पास्ट की गुजरी हुई पिक्चर्स दिखाना चाहिए। गेस करें ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई को बाबा की तरह ये पापा हैं और ये चाचू हैं, ये छोटे वाले चाचू हैं जो अब नहीं है। हाँ, ये मेरी मम्मा है जो के स्टील की वगैरह, ये मेरी किसकी बर्थडे थी? नहीं तुम नहीं हो, ये मैं हूँ। हाँ। ये नाना है, ये मैं हूँ और ये मेरी पप्पो खाना खिला रहे हैं। ये है मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की देखो ऐसी तस्वीर होती थी। पापा गए थे इस्लामाबाद अपने दोस्तों के साथ घूमने, ये शाह फैसल मस्जिद है, ये भी मेरी बचपन की है। मैं ये जू जाते थे ना तो वहाँ पर शेर होता था, इस पर मैं डर डर के बैठी हुई हूँ तस्वीर खिंचवाने के लिए। ये भी पापा हैं, तो ये जब 14-15 साल के थे तो ये बहुत छोटे हैं इस वक्त, ऐसा देखने में आपको लग रहा होगा एज में काफ़ी छोटे हैं। ये भी मेरी बचपन की, मेरी सारी खिलौने, भाई हमारा भी बचपन ऐसे होता था। ये मैं छठी की, मेरी छठी की है और मैं अंशा बिल्कुल सेम अंशा मेरी तरह थी, जैसे मेरी अम्मा ने देखो रखा था ना मैचिंग चूड़ियाँ ओड़ियाँ सब, मैं भी इसी तरह रखती हूँ। और ये मेरी पहली सालगिरह, वाह कितना प्यारा सूट है, देखो नानी ने सिया था, जल्दी जल्दी उनके जवानी की है। दादा तो ताया की तरह लग रहे, दादी तो लग रही नहीं रही, क्यों नहीं लग रही, दादी तो है। अच्छा ये मेरी नानी है और ये थी मेरी फर्स्ट सालगिरह, वो वाली पता नहीं 6-7 महीने किसी और की सालगिरह थी वो। ये मुझे खाना खिला रही है मेरे पास, बस नानी की कुछ ये यादगार चीज़ें हैं। तब भी मैं बहुत छोटी हूँ, चले बहुत छोटी हूँ इसलिए आप देख लीजिए, मेरा छोटा भाई है मेरा बड़ा भाई है। और अब आ चुके हैं बच्चे, नहीं पहले हमारी शादी की तो दिखाओ। ये पापा, एक मिनट, ये भी है पापा, बड़ी अच्छी सी तस्वीर है वाली, वैसे स्टाइलिश। इस वक्त ये 14-15 कौन है, ये मेरी छोटी बहन है, अब तो दिखा सकते। और इस वक्त ये अपने बेटे से मिल रही है थोड़ी थोड़ी, और ये अरबे वो शहरी है छोटे वाला भाई, छोटा वाला भाई बनाया था, ये अपने बेटे में नहीं मिल रहे हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं। ये भी मेरे हस्बैंड जो है डांस क्लासेस लेते थे, और काफ़ी पुरानी फिल्मों में पीछे जो है ना डांस कोर्स होता है ना, वो क्या होता है, उसके साथ भी होते थे। ये भी बहुत छोटे हैं, शादी की तस्वीर है, ये हस्बैंड हैं, उनकी बारात की है, और ये मैं हूँ, और यहाँ पार्टी हो रही है नहीं यहाँ शादी हो रही है, ये मेरी बारात की है, ये हमारे वलीमे की है माशाल्लाह से। ये था मेरा ड्रेस, अरबिश और अरबिश के पापा सेम शक्ल के दो लोग। ये हैदराबाद की है और ये बताएं किस में मिल रहे हैं, किस में मिल रहे हैं, अरबिश में मिल रहे हैं सेम। ये हैदराबाद में ये यहीं पले बड़े हैं भाई मेरे हस्बैंड, तो ये वहाँ की तस्वीर है, और ये पता नहीं अरबिश नहीं फाड़ दी थी जब छोटी थी, नई नई शादी हुई थी हमारी, तो हम कुत्ते आर्शिया रुके थे जा रहे थे। गाइस ये हमारी कजन है, जल्दी करो आज भी पढ़ो। ये मैं हूँ, ये लोग हैं, उन्हें नहीं दिखा ये वाली ले लो, मुझे चाहिए थोड़ी सी। गाइस जरा इनकी फ्रॉक्स देखें, कितने एक से एक कपड़े इनके तैयार किए जाते थे, ये देखिए मेकअप का कितना शौक था इन बच्ची को आज तक। सो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, यही था मेरा आज का व्लॉग, अच्छा भी लग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।